नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए साइन जल्दी से आ जाएंगे बैठिए क्लास में। और आपको पता है कि अभी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं सिर्फ दो ही क्लास ले रहा हूं यूट्यूब में, है ना, क्योंकि हिम्मत एक क्लास की भी नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं यार क्लास मिस नहीं होना चाहिए, स्पेशली खजाना वाली क्लास तो बंद नहीं होना चाहिए। तो अभी दो क्लास हो रही है, एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा जैसे मुझे लगेगा थोड़ा फीवर कम होगा। अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ मेरे को अभी 100 के आसपास फीवर है, हालांकि मैंने पैरासिटामोल खाया तो फीवर हल्का हल्का उतर, आप देख रहे होंगे पसीना लगातार निकल रहा मेरे को। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि डेंगू में तो लगातार पूरा दिन बुखार रहता है, पूरा दिन फीवर रहता है, तो फिर क्या क्लास नहीं लोगे? डेंगू लंबा प्रोसेस है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक चलता है दवाइयाँ वगैरह, और 10 दिन क्लास बंद होना पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कोई मतलब नहीं इतना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो माय डियर इस टाइम पे सिर्फ दो यूट्यूब में क्लास हो रही है, जैसे ठीक थोड़ा भी ठीक लगेगा माय डियर क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दो कौन सी क्लास हो रही है टाइम नोट कर लेना। अभी जो हमारी 6 और 12 बजे की जो क्लास है, दिन में 6 बजे और रात को जो 12 बजे क्लास होती है खजाना वाली वो। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, जो 12 बजे वाली क्लास है उसका टाइमिंग 11 बजे कर दिया। बहुत बच्चे बोले थे सर 12 बजे ज्यादा लेट हो जाता है, बहुत बच्चे बोले थे कि सर 12 बजे रात को ज्यादा लेट हो जाता है, तो प्लीज 11 बजे कर दीजिए। तो जो खजाना वाली क्लास है माय डियर वो 11 बजे होगी रात को, ठीक है, रात को शाम को 6 बजे खजाना और रात को 11 बजे खजाना, दो क्लासेस हो गई। और बस जैसे ही थोड़ा ठीक होता हूँ मैं विद इन 2-3 डेज, जैसे ही मुझे अच्छा लगा, मुझे आज से अच्छा लगा मैं आज से ही चालू कर दूंगा। बस थोड़ा आराम का है, थोड़ा आराम लगे क्योंकि हल्का आराम लगा है दवाई खाने के बाद में, मुझे सोचा कि हल्का सा रेस्ट ले लूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा मेहनत शाम करूँ फिर से दिक्कत हो जाए, ठीक है, फीवर में होता है। तो शाम को 6 बजे रात को 11 बजे दो क्लासेस सभी चल रही हैं खजाना की, और बस बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन आंसर वाली जो क्लास थी उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, जो वॉल्केनो होते हैं, वो माय डियर किस किस क्या होते हैं, हाँ जो वॉल्केनो होते हैं वो किस किस कंट्री में पाए जाते हैं, कौन सी कंट्री में कौन सा वॉल्केनो है, है ना, पूछता है हमेशा क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं कि कौन सा माउंटेन वॉल्केनो जो है ज्वालामुखी किस कंट्री में है। ट्रिक के साथ बताऊंगा, 25 से 30 नाम बताऊंगा, 25 के आसपास नाम है, ट्रिक के साथ बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कोटोपेक्सी, ये कहां पर है, इक्वाडोर में, है ना, बिल्कुल याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये है भाई साहब आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की कविता कोई दीवाना कहता है। तो जो कोई दीवाना कहता में अगर आप कोई निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुमार विश्वास साहब की जो कविताएं होती हैं वो ज्वालामुखी से कम नहीं होती हैं, मतलब किसी अच्छे आशिक को सुना दो तो फूट पड़े उसके अंदर का ज्वालामुखी, फट जाए, मतलब है बिल्कुल विस्फोट हो जाए। तो कोई दीवाना कहता है कोई, कोई तो को मतलब कोटोपेक्सी, तो जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है ई ई ई मतलब इक्वाडोर में है, क्लियर है, डन। कविताएं सुना करिए स्पेशली डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की, तो और आप लोग सुनते भी होंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब सुनते होंगे, है ना। तो कोई दीवाना कहता है 100% आपने सुना होगा, तो कोई में से को से कोटोपेक्सी और ई से इक्वाडोर, कैसे याद करोगे, उनकी कविताएं जो होती हैं, उनकी जो शायरी होती है, उनकी जो लाइंस होती हैं वैसी होती हैं कि बिल्कुल ज्वालामुखी से कमी होती हैं, किसी आशिक को सुना दो तो मतलब वो तो क्या बोला ना, एक उनकी लाइन है ना कि एक पगली लड़की के बिन जीना, बहुत शानदार है, क्लास में ही बोलिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे मोना लाओ, मोना एक लड़की है, मोना और लाओ, आ जाओ लाओ जल्दी लाओ, मोना लाओ, क्या लाओ, कुछ होगा मोना के पास में, तो आपने मोना के पास में कुछ था, है ना, मोना बच्ची है उसके पास कुछ था, आपने बोला कि मोना कम नियर पास में आओ, इंग्लिश अगर ग्रामर गलत हो तो बता देना, ठीक है, हालांकि हमारी धर्म पत्नी बैठी है बताने के लिए, गलती होगी तो फिर भी इंग्लिश में अगर गलती हो तो बता देना, मोना कम नियर, ट्रिक है कम नियर मतलब पास में आओ, गिव अस फिर से मोना, भाई मोना के पास कुछ है, मोना लाना है, मोना लाओ, इंग्लिश में बोलोगे मोना कम नियर गिव अस, बस मोना से हो जाएगा मोना लाओ, नियर से हो जाएगा रेनियर, नियर से रेनियर, तो माउंट रेनियर वोल्केनो और मोना लाओ, ये दोनों कहाँ है, गिव अस, अस अस मतलब यूएसए, अस मतलब यूएसए, यूएस ए अस यूएस लिखा रहता है ना, बस हो गया, ठीक है। तो मोना कम नियर गिव अस,
मूना मतलब मूना लाओ, नियर मतलब रेनियर, दोनों जो है ज्वालामुखी वोल्केनो कहां पे है आपका, यूएसए में। डन, चल नेक्स्ट। विसुवियस जो यूवीसीवियस है इटली में है, कहां पर है, इटली में है। डन, कहां पर है, कुछ ज्यादा पसीना नहीं निकल रहा मेरे को, दवाई खाने का ऐसे होता है भयंकर, एक मिनट पसीना पूछ लो। दवाई खाने के बाद जरा तेज से पसीना निकलता है भाई, पूछो मत। पसीना निकलने का मतलब है कि फीवर आपका ठीक हो रहा है, कम हो रहा है। विसुवियस इटली में है, कैसे याद करोगे, जब इंसान को टल्ली होता है ना, टल्ली टल्ली समझते हो ना, टल्ली मतलब पी के, मतलब तेरी उस टाइप का, टल्ली टल्ली हो जाना। एक और से बता दो आपको, जो टल्ली शब्द है, टल्ली शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीज के लिए जिसका कुछ चीज का ज्यादा नशा हो जाए। नशा का मतलब यहां पर सिर्फ दारू शराब से नहीं है, टल्ली मतलब पढ़ाई में इतने टल्ली हो गए कि बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है, इसको भी टल्ली आप बोलोगे। या कि आप किसी की मोहब्बत में इतने टल्ली हो गए कि आपको पता ही नहीं है, टल्ली ये शब्द है। अब वो उसको हमेशा वो दारू के कॉन्टेक्स्ट में, शराब के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो टल्ली अगर कोई हो जाए और वो आपसे कोई अगर बात करे, कभी आप करना, मेरे को बड़ा मजा आता है जो शराब पीते हैं ना उनसे बात करके, भाई वीडियो लाइक शेयर करते चलना बेटा, ठीक है। तो जो टल्ली होते हैं उनसे बात करके बड़ा मजा आता है। बस एक चीज करना, अगर कोई टल्ली हो तो उसकी बातों को कभी नो मत करना, सिर्फ यस करना। अगर कोई टल्ली है तो सिर्फ यस करो, ये सच है। अगर आपने नो किया तो वो फिर दुखी हो जाता है सारा भी। अगर कोई टल्ली है तो यस करो, यस से विसुवियस, टल्ली से इटली, इटली टल्ली। हाय रे गरीब वाली ट्रिक। नेक्स्ट, क्रैकाटोआ इंडोनेशिया। लड़कियां होती हैं, हर लड़की या लड़का, कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी चीज से डरते हैं। जैसे हमारी जो धर्मपत्नी भाई साहब, छिपकली से भयंकर डरती हैं, वो सांप से नहीं डरती, सांप निकला तो मार मुड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई छिपकली से बहुत डरती है। तो कुछ लड़कियां काक्रोच, काक्रोच जो भी वो है, काक्रोच, हाँ उससे डरती है भाई साहब। उनके नजर में तो काक्रोच डॉन है, मतलब काक्रोच अगर निकल जाए तो कूद के भाग जाए, है ना। आप में से बड़ी लड़कियां होंगी जो काक्रोच से बहुत डरती हैं, वो उनकी नजर में डॉन है, डॉन से इंडोनेशिया, डोनेशिया, डॉन से इंडोनेशिया। काक्रोच से क्राकोटोवा, नाम से लग रहा है, काक्रोच होगा, काक्रोच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के लिए नहीं पूछेगा, टिक करने के लिए पूछेगा, और काक्रोटोवा काक्रोच होगा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉन से इंडोनेशिया याद रहेगा, चिंता मत करना। अगला है माउंट पिनाटुओ, ये कहां पर है, फिलीपींस में, बिल्कुल है फिलीपींस में। फी मतलब फिलीपींस, पी मतलब पिनाटुओ, फिलीपींस में ही नाम छिपा हुआ है, सिंपल है। अगला है फ्यूजियामा, कहां पर है, जापान में, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, वो देखा था आपने, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल जाता हूँ उसका मैं, हाँ मुन्ना भैया वाली सीरीज का नाम का, मिर्जापुर। मिर्जापुर में आपने देखा होगा कि जब मुन्ना भैया जाते हैं कोठे में, तो अम्मा जो है पान खा के बैठी थी, यार याद ना, हाँ याद होगा, ठीक है। अगर मुन्ना भैया नहीं गए तो आप समझे, तो देखो पान खा के अम्मा बैठी है भाई साहब, है ना, अम्मा जो है पान खा के बैठी है, और फिर अम्मा से क्या बोले थे मुन्ना भैया, पता है ना आपको, अम्मा जो थी वो पान खा के बैठी थी। तो अम्मा अम्मा यम्मा यम्मा फ्यूजी यम्मा फ्यूजी अम्मा, क्योंकि अम्मा का फ्यूज था। अम्मा अम्मा यम्मा यम्मा अटा खा के बैठी थी, जापान मतलब पान। मैं बोल रहा हूँ हंसी आ रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन याद करने का तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं याद करने का। आप डायरेक्ट याद करके जाओगे भूलोगे। आप सिंगल हो, मैं लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं याद करने का। वैसे करोगे कहानी फ्यूजी अम्मा जापान पान, अम्मा जापान पानी जामा, टिक कर दोगे, होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला माउंट इरेबस। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी को छोड़ने जाना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से, पिछले वाला भी प्रैक्टिकल लाइफ से ही था आप लोगों के, ठीक है, बहुत सगड़े हो आप लोग। तो आप किसी को छोड़ने जाना, जब तो छोड़ने आप जाओगे तो देखोगे कि जैसे बस बस जा रही है किसी, है ना, अब बस में किसी को छोड़ने गए, और कई लोग ज्ञानी होते हैं, मान लो अगर बस 5 मिनट के लिए खड़ी हो गई, 5 मिनट के लिए, तो वो क्या करेंगे पता है, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि बस में टिक के खड़े हो जाएंगे, बात करना शुरू, और जो यात्री है जो जाने वाला वो भी नीचे उतर आएगा। उस्ताद कम थोड़ी ना होते हैं। आपने किया होगा ऐसा कि किसी दोस्त को छोड़ने गए बस में, अब बस खड़ी है, उसका सामान रखा, भैया कब चलेगी बस, बोले 5 मिनट, वहां अब नीचे उतर, पता नहीं कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, बस में टिक जाएंगे और खड़े होकर बातें करेंगे। अच्छा है ये करते हो तो कम से कम ट्रिक तो बन जाती है। बस से इरेबस, और डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, टिका टिका से टिक गए थे ना अंटार्कटिका,
बस में टिक गए थे आप, ठीक है, पीछे धूल लग गई है, पूछ लेना, लग जाती है धूल, ठीक है। एक बार तो हम टिक गए थे, टायर था हमारे साइड में, टट्टी लग गई थी, बाद में आके धोना पड़ा, क्या टायर। नेक्स्ट, माउंट कीनिया, कीनिया में है, इसकी भी ट्रिक बताने की जरूरत है क्या? माउंट कीनिया कीनिया में है, बिल्कुल सिंपल है। अगला है कोह सुल्तान, सुल्तान सुल्तान सुल्तान, ईरान, ईरान सुल्तान, बिल्कुल सिंपल है, नहीं आता वो याद रहेगा। जब भी मेरे सामने कोह सुल्तान आता है, हमेशा ईरान का ही नाम आता है। ऐसी और कोई कंट्री नहीं है जिसका नाम राइमिंग करता हो, ईरान तान तान, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगला माउंट कैमरून, कैमरून में है, बिल्कुल सिंपल है ना, वॉलकैनो, माउंट कैमरून वॉलकैनो। अगला है माउंट अरारात। अच्छा आपने चीज देखा होगा, मैं एक चीज हमेशा बताता हूं आप लोगों को, कि जैसे आप लोग होते हैं कि आप अरमान देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। मैं एक वीडियो देखा था मैंने जोश टॉक में, आपने सुना होगा जोश टॉक को नाम। उसमें जो एक वीडियो है ना, इंटरव्यू टाइप का आता है, 8-10 मिनट का वीडियो रहता है, एक वीडियो देखा था मैंने, अगर आपने देखा होगा, पंचायत सीरीज देखी होगी जीतू भैया की, उसमें एक लड़का था जो दूल्हा बना था, देखा था आपने, गजबे बेइज्जती है यार। तो वो जो गजब बजती थी यार के बाजू में जो दूल्हा वाला लड़का बैठा था ना, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत स्ट्रगल किया उस लड़के ने। उन्होंने अपनी स्टोरी में एक चीज बताई कि भाई साहब, पहले जब मैं काम करने के लिए गया था तो मेरे पास ख्वाब था, अरमान था, मुझे ये करना है। जैसे आप हो, आपको SSC निकालना है, आपको रेलवे निकालना है, PSC निकालना है, UPSC निकालना है, सिर्फ ख्वाब। लेकिन सिर्फ ख्वाब के दम पे आप नहीं कर सकते, भाई मेरा ख्वाब है मैं IAS बन जाऊं, नहीं बन सकते आप ना, सिर्फ ख्वाब के दम पे नहीं, ओनली ख्वाब के दम पे नहीं बन सकते आप। आपके पास में अरमान है, ख्वाब है ना, सिर्फ ख्वाब के दम पे, ख्वाब अरमान के दम पे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपके पास में हुनर होना चाहिए, हुनर का मतलब है टैलेंट, टैलेंट मतलब पढ़ाई, आपकी मेहनत होना चाहिए। टैलेंट कब आएगा? जब खूब मेहनत करोगे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टाइम टेबल, पेशेंस, धैर्य, सब होना चाहिए। जब आपके पास में हुनर आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, टैलेंटेड हो जाएंगे, ख्वाब तो है ही आपके पास, एग्जाम निकल जाएगा। उस वीडियो में उन्होंने यही बताया था कि पहली बार जब मुंबई गए थे तो उनके पास सिर्फ ख्वाब था, कुछ नहीं था, नहीं मिला काम उनको। फिर वो आए वापस, उन्होंने ट्रेनिंग किया, 3-4-5 साल तक ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद बोले कि अब मैं जब मुंबई गया था तो मेरे पास ख्वाब और हुनर दोनों था, और ख्वाब हुनर के दम पे मैंने आज तरक्की की। जो भी उन्होंने पाया देखा आपने, पंचायत सीरीज में भी उन्होंने काम किया, मिर्जापुर में भी अच्छा रोल उन्होंने किया है, ये सारा, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये तो हो गया ज्ञान वाली बात। अब ट्रिक पे आते हैं, जो अरमान होते हैं जब हम रात को सोते हैं, है ना, तो रात को सोते टाइम पे ख्वाब आते हैं ना, मेरे को भी आता है, अरमान होता है यार, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो होता ना, रात को सोते टाइम अरमान आते हैं, सोने के पहले, सोने के बाद भी, सोने के पहले कि यार मेरा एग्जाम निकल जाएगा, इतना अच्छा होगा, घर वाले कितने खुश जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता ना, रात को अरमान आते हैं। तो रात से हो जाएगा अरारात, और अरमान से हो जाएगा अर्मीनिया। ये भले ट्रिक है लेकिन दिल के करीब भाई सब, सच है, सत्य है, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, बता आपको, आप लगता हो ना कि सब यहाँ पहुंच गए, है ना, कि सर ऐसा है, और सर की इतनी एकड़ जमीन है, भाई माल गुजार आदमी है ना, पिताजी गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर्ड है, खुद भी यूट्यूब में पैसा कमा रहे हैं, कोर्सेज से पैसा कमाया है, जहां पहले पढ़ाते थे वहां से ही पैसा कमाया है, बीबी बैंक पीओ है वो भी पैसा कमा रही है, फलाना ढिकाना दुनियादारी, ठीक है, इंसान की संतुष्टि नहीं होती है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा कि आपको लगता हो कि हम, हाँ, हमारे कोई ख्वाब नहीं होंगे, हमारा तो पूरा हो गया, हम कोई संतुष्ट नहीं अपनी जिंदगी से, सबको लगता है कि यार ये हो जाता तो, अब एक प्लॉट लिया लगता है दूसरा ले ले तो और मजा आ जाएगा, एक प्लॉट और ले लेंगे तो भाई फलाना, समझ गए, ख्वाब हमेशा चलते रहते हैं। रात को भी मैं सोता तो लगता है यार अगर इतना हो जाए ना, ये कर लिया तो और मजा आ जाएगा, ये बस इतना बचा है। अभी पहले क्या था, ये कर ले ये हो जाएगा, फिर ये कर ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा। पहले स्विफ्ट थी, अब स्विफ्ट चला गया, ऑल्ट्रोज अच्छी गाड़ी है, ऑल्ट्रोज अब लगता है फॉर्च्यूनर हो तो मजे आ जाएगा, ये होता रहता है पूरी जिंदगी है। कुछ ज्यादा टाइम मिले मैंने, सॉरी। चल नेक्स्ट, माउंट उन जने, उन जने कहाँ के? जापान। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है कि हमारे यहां पे ऐसा बोला करते कि उन जनों ने भैया आए पान खा के चले गए, और दो चार जन आए थे भैया, दो चार जन आए, जन मतलब लोग, है ना, उन जने, तो उन जनों वो लोग आए भाई साहब, उन जनों ने पान खाया, पान खा के चले गए, उन जनों ने पान खाया, पान खा के चले गए, दो चार छह लोग थे भैया, पहचान ना पाए, बस हो गया। तो
उन जनों और जापान, उन जनों से हो जाएगा उन जने और जापान, पान पान से पान जापान, बता रहा हूं सुनो अच्छे से और फिर आप रिमेम्बर करना, लिंक होंगी चीजें और एक बार जब सबकॉन्शियस मन में सेव हो गया ना कभी गलत नहीं होगा, प्रॉमिस। चलो आगे, माउंट मेरू, मेरू जो है ये कीनिया में है, इसकी ट्रिक आप मुझे बता देना, दो तीन चार ट्रिक आप भी बता दिया करो यार, ठीक है, कुछ ट्रिक आप भी बता दिया करो मेरे को, ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट बना रहे कि यार हाँ मेरी ट्रिक, और जो भी ट्रिक बताया करोगे तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके और यूट्यूब में क्लास में लगा दिया करूंगा आपके नाम के साथ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट जब भेजा करो वो कमेंट, तो कमेंट कर दिया करो कि आपकी ट्रिक का नाम क्या है, क्लास कब की है, डेट लिख के टाइम लिख दिया करो कौन सी क्लास थी, और अपना नाम और किस जगह से आप हो वो लिख दिया करो, बेहतरीन, तो आपका स्क्रीनशॉट आपका स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। अगला है कौन सा, नेक्स्ट है माउंट मेरोपी। माउंट मेरोपी जो है कहां पर है आपका, इंडोनेशिया में है ना, तो इसको याद कैसे याद करोगे, इसको याद करने का तरीका है मेरोपी को कर दो मेरा, मेरापी को मेरा, मेरा और डॉन मेरा, डॉन कुछ भी कर दो, मेरा भाई डॉन है या मेरा फलाना डॉन है, मेरा बॉयफ्रेंड डॉन है, मुझे अगर फोन करोगे तो हाँ अगर मैं उससे बता दूंगी तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा, होता है ऐसे लड़कियों को होता है भाई सब, भले पर 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाए तो कहाँ के डॉन कहाँ के कौन है ना, तो मेरा से हो जाएगा मेरा, मेरोपी मेरापी और डॉन, डॉन से डोनेशिया, इंडोनेशिया, डोनेशिया, इंडोनेशिया होगा भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड डॉन, हमको क्या करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है चिमबोरेजो, इक्वाडोर, कैसे करोगे, अगर आप जिंदगी में अकेले हैं, अगर आप जिंदगी में अकेले हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं है, आज ही संपर्क करें बाबा उस्मानी बस स्टैंड के पास, पीपल के पेड़ के बाजू से चाय वाली दुकान में गेट नंबर 2 के पास, मिलने का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक, मोबाइल नंबर 7042633154, लास्ट वाला मोबाइल नंबर मेरा है, ठीक है। चलो तो अगर आप अकेले हैं, है ना अकेले हैं, जो तन्हाई होती है बड़ी परेशान करती है, तो अगर आप अकेले हैं तो फिर बोर होंगे, है ना, अकेले हैं तो बोर होंगे, होंगे बोर, दुकेले हो जाइए फिर, ठीक है, 2 काम कीजिए, एक या कि फिर शादी कर लीजिए या कि फिर नौकरी ले लीजिए, तो नौकरी और आप दोनों की हो जाएगी मोहब्बत, बस हो गया, तो इकलौते अगर अकेले हैं तो बोर हो जाओगे, एक मतलब अकेले, एक होता है एक इक्वाडोर, 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 और बोर से हो जाएगा चिम बोर जो बोर करता है, चिम बोर जो बोर, एक एक अकेले, इक्वाडोर, इक्वाडोर, बोर, चिम बोर जो बोर, बोर जो कर। चल अगला है कटमई, भाई साहब ये जो ट्रिक है ये सत्य बोल रहा हूं, परम सत्य बोल रहा हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसका हमने काटा नहीं, बिल्कुल है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये है कौन, यूएसए, बहुत खतरनाक कंट्री भाई कसम से, मेरे को बिल्कुल भारत, मेरे को दो मतलब मैं नफरत नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में पता किसी से, लेकिन अमेरिका और ब्रिटिश से पता नहीं क्यों नफरत है मेरे को, बहुत ज्यादा वाली, ब्रिटिश ने जो अत्याचार किया है हमारे साथ भूल नहीं सकते हम, और अमेरिका जो आज पूरी दुनिया के साथ कर रहा है वो भूलना नहीं चाहिए आपको, तो यूएसए जो है, जो अमेरिका है यूएसए, इसने सबका काटा है भाई साहब, क्या काटा है पता नहीं क्या करता है, तो काटा से कटमई और यूएसए, यूएसए डन भाई, काटा से मुंह तो रे। अगला है माउंट एटना, एटना इटली, इट एट सेम है, नहीं बोलोगे, मैंने भी कोई ट्रिक इसकी नहीं बनाई, जब एटना आता है तो आराम से दिमाग में सिर्फ इटली ही आता है, एटना एटना एटली कर लो, एटली से एटली एटना डन। चलो अगला है इस्तांबुली ज्वालामुखी, इस्तांबुली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन सी में है, शायद यार इसके ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं यार, है ना, अब इतने पूरे दिन आगे की ट्रिक बनाना पड़ेगा इसकी। अगला माउंट ताल है ना, जो माउंट ताल है फिलीपींस में है, इसकी जो ट्रिक है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, इसकी भी ट्रिक माउंट मेयोन, इसकी ट्रिक जो है वो भी आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेशन में कमेंट कर देना। अगला है किलिमंजारो, तंजानिया है ना, तो अगर तुम मुझे छोड़कर गई है, होता ना आशिकों का होता है कि
तुम अगर मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना, बहुत रोओगे, बहुत मतलब हाल खराब होगी, मंजर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ज्वालामुखी फूट जाएंगे, पूरा दिल फट के फवारा हो जाएगा। फवारा कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे दिल फटेगा, ठीक है, कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, तो सब फट जाएगा। मतलब अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो हालत खराब कर देंगे दुनिया की, मतलब, है ना, मतलब ऐसा लगता है यही ओसामा बिन लादेन है, पता नहीं क्या कर देंगे। तो जानिया जो मरजानिया, मतलब जो जा रहा है छोड़कर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मरजानिया अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मंजर आ जाएगा, भूकंप ला दूंगा पूरी दुनिया में, सुनामी, मतलब मेरे पापा हैं अरब सागर, बोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी को बोल दूंगा, अरब सागर को बोल दूंगा, प्रशांत महासागर को, सबको बोल दूंगा, भयंकर वाला भूकंप आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो मरजानिया अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मंजर, मतलब भयंकर खतरनाक हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मरजानिया से हो जाएगा तंजानिया, और मंजर से हो जाएगा किली मंजर, मंजर बन जाओ, एक चीज याद रखना, ठीक है, डन। बहुत आशिक हो रहा हूँ मैं आजकल, है। चलो अगला है ओजोस डेल सेलोरो, ये अर्जेंटीना और चिली में है, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जरा ट्रिक। अगला है देवबंद ईरान, बिल्कुल सिंपल है यार, इसकी भी ट्रिक बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा, इतने बुरे दिन नहीं आ गए, मैं मेरे में आपके, है ना। और लास्ट है माउंट एलबुर्ज, ये कहाँ पर है, एलबुर्ज जो है वो जॉर्जिया में है, ठीक है, ये है आपका ट्रिक। और ये आपका जितने भी आपका वोल्केनो है वो मैंने आपको बताया, ठीक है सारे, तो ये कहानी है। और अपना ध्यान रखिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा माय डियर, लाइक शेयर करते चलिए, बाकी हम जल्दी से ठीक होते हैं, जितनी जल्दी हो पाएगा ठीक होते हैं, और फिर क्लास और बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली क्लास लेते हैं सर जल्दी से फटाफट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।